गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी डिस्कस इन अ प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज़ द माउस एंड टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस में मैं आपको फोर टाइप्स के माउस पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी थी। फोर टाइप्स के माउस में मैंने एक्सप्लेन किया था मैकेनिकल माउस, देन ऑप्टिकल माउस, देन वायरलेस माउस एंड टच पैड माउस, है ना। अब जो नेक्स्ट माउस है वो मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद फर्स्ट माउस होता है जॉयस्टिक माउस, है ना। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉयस्टिक? तो जॉयस्टिक इज़ ए इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है दैट कैन बी यूज्ड और फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द कर्सर फॉर अ पॉइंटर इन अ कंप्यूटर डिवाइस। द इनपुट डिवाइस इज मोस्टली यूज फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, है ना। क्लियरफुली लिसन कीजिएगा स्टूडेंट्स, के इनपुट डिवाइस इज मोस्टली यूज ऑफ गेमिंग एप्लीकेशन एंड समटाइम इन द ग्राफिकल एप्लीकेशन। जॉयस्टिक कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल एज ए इनपुट डिवाइस फॉर पीपल विद द मूवमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। अब मैं आगे पर इसी को हिंदी में बताऊंगी। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंटिंग की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है कर्सर के मूवमेंट को। आगे डेफिनेशन पढ़ती हूँ। इनपुट डिवाइस का उपयोग ज़्यादातर गेमिंग, मतलब गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, गेमिंग अनुप्रयोग और कभी कभी ग्राफिकल अनुप्रयोग में भी यूज़ किया जाता है। आंदोलन विकलांग लोगों के लिए एक जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के रूप में सहायक हो सकता है। अब मैं इसको बताऊंगी, पहले आप इसका ड्रॉ देख लीजिए कि जॉयस्टिक होता कैसा है, क्लियर। तो ये जॉयस्टिक है जिसमें एक ऊपर से बॉल ऐसा होता है, हम इसको पकड़ के यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। जो स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं वो बहुत ईजीली और अच्छे से समझ सकते हैं कि जॉयस्टिक क्या हो जाता है। जॉयस्टिक का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी होता है गेम पैड। पुराना जॉयस्टिक कुछ इस तरीके से किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, पर इसको हम क्या बोलते थे? गेम पैड। लेकिन इसी को अब आप अभी भी देखेंगे, अगर वीडियो गेम्स या कुछ चीज़ खेलते हैं आप, तो उसमें आप इस गेम पैड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई चीज़ परचेस करेंगे तो वो आपको इस तरह का जॉयस्टिक देगा, है ना। ये जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए नहीं, बहुत सारी ग्राफिक एप्लीकेशंस होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल इज अ इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस। जितने भी टाइप के माउस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारे माउस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। यूज टू इंटर मोशन डेटा इन टू द कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस सर्व्स द सेम पर्पस ऑफ द माउस बट इज डिजाइन विद द मूवेबल बॉल ऑन द टॉप विच कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन। अब इसी को मैं हिंदी में बोलूँगी कि एक ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस होते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गति डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह एक माउस के रूप में भी एक उद्देश्य प्रदान करता है, लेकिन शीर्ष पर एक जंगम गेंद के साथ डिज़ाइन किया गया है जिसे किसी भी दिशा में रोल किया जा सकता है। अब मैं इसको भी ड्रॉ के बाद साथ बताऊंगी, है ना, कि ट्रैक बॉल क्या होता है। तो ट्रैक बॉल कुछ इस तरीके का होता है माउस। इसमें वायर्स लगे होते हैं और इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, ठीक है। उसी बॉल से आप क्या कर सकते हो? सरफेस को क्या कर सकते हो? बॉल को मूव करते हो। जैसे ही बॉल मूव होती है तो वो क्या होती है? आपकी स्क्रीन पर आपको जिस तरह मूवमेंट करना होता है उस तरीके से आपकी इस बॉल को क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। तो जैसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल करते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसकी गति भी फास्ट होती है और ये इजीली क्या कर सकता है? फ्रेश सरफेस पे क्या करता है? मूव करता है, है ना। इस ट्रैक बॉल को हम इस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से ऐसे करके हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आप इस ड्रॉ में देख रहे हो, मैं एक हाथ दिया हुआ है, एक हैंड है, वो हैंड को किस तरीके से पकड़ा है और किस तरीके से उसमें मूवमेंट किया जाता है, क्लियर स्टूडेंट। इसे क्या हम बोलते हैं? ट्रैक बॉल। Now the next is light pen. What is the meaning of light pen? तो light pen की definition हम देखेंगे कि light pen is a light sensitive computer input device. अब light pen आपको ये पहले ही clear है कि what is the light pen, मतलब light pen होता है क्या। जैसे मैंने एक ये pencil use कर रखी है, इसी तरीके का क्या होता है? एक pen होता है। जैसे हमारा जो normal pen होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है? light pen होता है। पहले हम definition पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे draw के साथ समझेंगे। light pen क्या? A light pen is a light sensitive
सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है बेसिकली है स्टाइलिश। स्टाइलिश का मतलब ये जो है आपको एक न्यू वर्ड मिला है, न्यू इंग्लिश वर्ड है ना, इसको हम लेखन बोलते हैं, किसी भी चीज़ को लिखना। ठीक है, आगे पढ़ती हूँ मैं। दैट इज़ यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर एंड इंटरेक्ट विद यूजर इंटरफेस एलिमेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर। इसी को मैं क्या करूँगी, हिंदी में पढ़ूंगी, एक लाइट पेन सेंसिटिव कंप्यूटिंग इनपुट डिवाइस है जो मूल रूप से एक स्टाइलस है जिसका उपयोग टेक्स्ट का चयन करने, चित्र खींचने और कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर पे उपयोगकर्ता इंटरफेस तत्व के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है। पहले मैं आपको ड्रॉ दिखाऊंगी कि लाइट पेन क्या होता है। ये इस तरीके का लाइट पेन होता है जिसको आपको एक पेन दिख रहा है, या तो ये तो आपकी एक ग्राफिक टैबलेट है। अब ग्राफिक टैबलेट क्या होती है, मैम न्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम इस पेन की बात करते हैं। ये एक पेन होता है जिस पे आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइट पेन। इसके लिए अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपके किसी भी बड़े के साथ अगर आपका गाड़ी का लाइसेंस बनवाने गए हो, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आपको क्या करता है, सिग्नेचर करवाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिग्नेचर आपको वो एक पेन देता है और बोलता है कि इस पैड पे सिग्नेचर कर दो। जैसे ही आप उस पैड पे सिग्नेचर करते हैं तो एक लाइट ड्रॉ होती है और उससे उसकी स्क्रीन पे वो सिग्नेचर इजीली मिल जाता है, उसे क्या बोला जाता है, लाइट पेन। अब सिग्नेचर करने के लिए नहीं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए, कुछ ड्रॉ बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी लाइट पेन का यूज़ होता है। लाइट पेन का एक और रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो आपने बहुत सारे ऐसे लाइट पेन देखे होंगे जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप ऑपरेशन थिएटर या आपके आपके फिंगर में किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आजकल कोई भी चीज़ को ओपन नहीं किया जाता, लाइट पेन के थ्रू देखा जाता है। जैसे सपोज ली कि ये मेरी फिंगर है और इस फिंगर में मुझे कुछ दिक्कत है तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, तो वो उनके पास एक पेन होता है, वो पेन से इस तरह से मूव करते हैं। जैसे ही वो मूव करते हैं तो उनको सामने वाली स्क्रीन पर दिख जाता है कि इस फिंगर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ डैमेज है या किस कारण से इस फिंगर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट पेन का मैंने 2 से 3 यूज़ बताए हैं, आपको एक ड्रॉ भी बता दिया और उसके बाद मैंने लाइट पेन की आपको डेफिनेशन भी बता दी। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज टच स्क्रीन माउस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टच स्क्रीन माउस? तो टच स्क्रीन इज अ डिस्प्ले डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग देयर फिंगर और स्टाइल्स। आगे पढ़ते हैं। देयर आर अ यूजफुल अल्टरनेटिव टू अ माउस और कीबोर्ड और कीबोर्ड्स फॉर नेविगेटिव GUI। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टच स्क्रीन आर यूज ऑन द वेराइटीज ऑफ डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर, लैपटॉप और लैपटॉप डिस्प्ले। इसी को मैं पहले हिंदी में देखूंगी। और टच स्क्रीन एक डिस्प्ले डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को अपनी उंगली या स्टाइल्स का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। वे एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेविगेट करने के लिए माउस या कीबोर्ड का उपयोगी विकल्प है। टच स्क्रीन का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर किया जाता है जैसे कंप्यूटर और डिस्प्ले। अब टच स्क्रीन क्या है, तो ये तो मैंने एक डेफिनेशन बताई जो आपकी बुक्स में थी, लेकिन टच स्क्रीन होता क्या है, मैं इसको अपने ओन वर्ड में समझाती हूँ। टच स्क्रीन, जैसे ही आप नाम से पता है, टच स्क्रीन मतलब एक ऐसा डिस्प्ले डिवाइस जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी फिंगर से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें जो स्क्रीन होती थी उसमें हम माउस से मूव करते थे। उसके बाद जो कंप्यूटर्स या जो मोबाइल्स है उसमें आपको एक पेन मिलता था, आप चाहें तो उस पेन से यूज करते थे, अगर आपने देखा हो तो। अब जो माउस और कीबोर्ड, जो माउस और कंप्यूटर्स और जो लैपटॉप हो गए उसमें टच स्क्रीन आता है। टच स्क्रीन का मतलब कि कोई भी चीज आपको क्या करना है, फिंगर से करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एक फोन दिखा रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये फोन है, इस फोन को अगर मुझे मूव करना है तो मैं कैसे करूंगी, अपने फिंगर से करूंगी, है ना। जैसे मैंने ये मूव किया और ऐसे फिंगर से किया तो टच स्क्रीन आ गई। मैंने सारे आपको ये क्या बता दिए, सारे एप्स बता दिए, मतलब मैं इसको कैसे चला रही हूँ, अपने फिंगर से चला रही हूँ, उससे क्या, ये क्या है, टच स्क्रीन माउस। आई होप सो कि मुझे इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक चीज़ आती है, ग्राफिकल GUI, है ना। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोई ऐसी चीज़ जिसको कैसे क्या करना, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना, उसे बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ माउस इज ग्राफिक्स
टैबलेट। अब आपने लाइट पेन मैंने आपको क्लियर किया था, तो उसमें मैंने आपको ग्राफिक टैबलेट्स का नाम लिया था, जो कि आपके लिए न्यू वर्ड था, इसलिए मैंने उसको बोला था कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। तो मैं अभी आपको समझा रही हूँ ग्राफिक्स टैबलेट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिक टैबलेट्स, पढ़ते हैं हम इसको आगे। पहले इंग्लिश में देखते हैं। ग्राफिक टेबलेट ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉइंग टेबलेट। ड्रॉइंग टेबलेट इट मीन्स वॉट, कि एक ऐसी टेबलेट जिसपे आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और अ पेन टेबलेट और ग्राफिक्स टेबलेट इज द नेचुरल इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हैंड हेल्ड स्टाइल। द यूजर यूज द स्टाइल्स लाइक अ पेन, पेंसिल और पेंट ब्रश, प्रेसिंग इट्स टिप ऑन द टेबलेट सरफेस। द डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर माउस। इसी को हिंदी में देखूंगी मैं। ड्रॉइंग टेबलेट या पेन टेबलेट भी कहा जाता है। ड्रॉइंग टेबलेट को हम पेन टेबलेट भी कहते हैं। ठीक है, एक ग्राफिक टेबलेट एक प्राकृतिक इनपुट डिवाइस है जो एक हाथ में स्टाइल से जानकारी को परिवर्तित करता है। उपयोगकर्ता टैबलेट की सतह पर इसकी नोक को दबाकर पेन, पेंसिल या पेंट ब्रश जैसे स्टाइलिश का उपयोग करते हैं, है ना। डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर माउस के प्रतिस्थान में किया जाता है। अब इसको मैं एक ड्रॉ से बनाऊं, जैसे कि मैंने इस तरीके का ड्रॉ भी आपको क्या करा था, लाइट पेन में बताया था। क्लियर स्टूडेंट? मतलब देखो, जैसे आपको ये पेन दिख रहा है और एक क्या है, ग्राफिक टैबलेट है ना, इसको ड्राइंग टैबलेट्स भी कहते हैं। उसमें आपको जो भी चीज़ ड्रॉ करनी है या इमेज ड्रॉ करनी है, तो आप इस पेन की सहायता से उसे क्या कर सकते हैं, ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है, ग्राफिक टैबलेट। इसका भी रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। तो हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं, तो हमारा जो सिग्नेचर्स होता है ना, जो हम सिग्नेचर करते हैं, वो इसी के थ्रू लिए जाते हैं। तो नीचे एक लाइट पेन होता है, उसके नीचे एक ग्राफिक टैबलेट होता है। हम टैबलेट के ऊपर ही अपना चीज़ें क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर ईजिली दिख जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसे क्या बोला जाता है, ग्राफिक टैबलेट। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज माइक्रोफोन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोफोन? क्लियर स्टूडेंट्स? पहले हम हिंदी में देखेंगे। माइक्रोफोन के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको डिस्कस करके बता दूं कि माइक्रोफोन होता क्या है। तो माइक्रोफोन नाम से ही देख लें कि एक ऐसा फ़ोन जो क्या है, माइक्रो हो, मतलब कि क्या हो, छोटा हो। पहले मैं डेफिनेशन देखूंगी, फिर ही आपको ड्रॉ बताऊंगी। पहले माइक्रोफोन की बात करते हैं। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट कैप्चर ऑडियो बाय कन्वर्टिंग साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो ऑडियो को कन्वर्ट करता है काय में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। द सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड एज अ एनालॉग सिग्नल और मे बी कन्वर्ट इन अ डिजिटल, मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर और अदर डिजिटल ऑडियो डिवाइस। माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत के में परिवर्तित कर दे ऑडियो को कैप्चर करता है ना। मतलब कोई भी ऑडियो आप क्या कर सकते हो, उससे कैप्चर कर सकते हो। इस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के रूप में प्रवर्तित किया जा सकता है या डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल ऑडियो डिवाइस द्वारा संचारित किया जाता है। मतलब एक ऐसा ऑडियो फोन जो क्या करता है, ऑडियो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है काय में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। इसमें एक एम्पलीफायर लगा होता है जो एनालॉग्स वेव को काय में कन्वर्ट करता है डिजिटल वेव में, विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर और डिजिटल ऑडियो, जो कंप्यूटर और डिजिटल ऑडियो के लिए क्या होता है, प्रोसेस करता है। इसको मैं एक ड्रॉ से बताऊँ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक ड्रॉ है ना, जिसको मैंने माइक लिखा है। आप चाहे तो माइक वाला, वो भी जैसे जो सिंगर सॉन्ग गाते हैं तो वो माइक का यूज़ करते हैं, है ना, इसको हम एयरफोन्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ माइक होता है जिसपे हम लगा के कोई भी चीज़ अपनी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, माइक्रोफोन। एग्जैक्ट? क्लियर स्टूडेंट्स? आज मैंने आपको जो पढ़ाया इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में और अभी के प्रीवियस लेक्चर में, मैं सारी चीज़ें आपको एक बार डिफरेंटली डिफाइन करवा देती हूँ कि क्या है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि माउस क्या होता है, उसके बाद ये माउस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे ही टाइप्स को मैंने वन बाय वन करके आपको यहाँ एक्सप्लेन करा, जिसे टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, टच पैड माउस, नेक्स्ट जॉयस्टिक माउस, ट्रैक बॉल माउस, लाइट पेन माउस। नाउ द लास्ट वन, लास्ट इज टच स्क्रीन माउस, ग्राफिक टैबलेट माउस एंड माइक्रोफोन माउस। एग्जैक्ट? क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।